डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तथा सोसाइटी फॉर हायर एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निविया बक्शाऊ वाराणसी के मध्य शैक्षणिक गतिविधियों हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। शेपा के डायरेक्टर डॉक्टर पृथ्वीश नाग, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश के द्वारा शैक्षणिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी ने समझौते पर हस्ताक्षर के उपरांत प्रसन्नता जाहिर करते हुए भविष्य में पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी द्वारा फीता काट कर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र कार्यालय का उद्घाटन महाविद्यालय परिसर में किया गया। महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा हेतु नव निर्मित द्वार का उद्घाटन भी डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी के द्वारा किया गया। नव निर्मित द्वार के मुख्य सड़क से नजदीक होने के कारण छात्राओं को महाविद्यालय आने जाने में काफी सुविधा होगी। उपस्थित अतिथियों का स्वागत राहुल चौधरी ने किया। डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि वर्ष 2009 में महाविद्यालय की स्थापना हुई। महाविद्यालय में छात्राओं हेतु BA, BSc, बायो एवं मैथ ग्रुप BCom की पढ़ाई होती है। महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र भी है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों हेतु विभिन्न प्रकार के स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा कोर्सेस मौजूद है। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव ने समझौते के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन दिव्या सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रोफेसर चंद्रशेखर विजय, मुकुल पांडे, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय डोमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी, डॉक्टर रचिता सिंह, डॉक्टर सुनीति गुप्ता, डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर अंकिता, किरण शर्मा, श्वेता पांडे, रितु दुबे, सुरेंद्र तिवारी, संतोष कुमार, समाना पाठक, श्रद्धा पांडे, चंचल ओझा, सोनिया त्रिपाठी, नीलम गुप्ता, शुभम तिवारी आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। आज जो MOU साइन हुआ है वो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उसमें बहुत से ऑप्शंस वगैरह हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हितकारी होंगे, तो दोनों इंस्टीट्यूशन मिलके हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज़ कैसे शेयर कर सकते हैं, इसी के बारे में ये MOU है। ये MOU जो है ये एक रोल मॉडल की तरह हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद है कि और भी कॉलेजेस भी हम लोगों के साथ इसमें सहयोग करेंगे और MOU में साइन भी करेंगे। और ये जो आज MOU था वो दो कॉलेजेस के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था जो NEP के सापेक्ष था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सापेक्ष था। और हम लोग चाहते हैं कि पॉलिसी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो और उसमें बहुत से पक्ष हैं, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे वैल्यू सिस्टम है, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बहुत चीज़ें हैं जिसमें कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरी जगहों के साथ भी जुड़ें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को एक ग्रुप करके एक संकुल बना के कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा जो अच्छा है वो दूसरों को मिला, दूसरों का जो अच्छा है वो हमें प्राप्त हो। तो इस दृष्टि को, इसको सोचकर और एक दीर्घजीवी योजना, दीर्घकालिक योजना के हिसाब से हम लोगों ने यह कार्य करना आरंभ किया है, जिसमें दोनों संस्थाएं बेनिफिटेड होंगी, एक दूसरे को बेनिफिट देंगी दोनों संस्थाएं, इसलिए इसको किया गया है। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी महाविद्यालय जो है वो कृत संकल्प है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ठीक ढंग से लागू किया जाए, जिससे कि महिलाओं का जो एक मूल उद्देश्य है उनका, देश की महिलाएँ जगें।